सो यस, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए जी, जेई मेंस 2024 पीवाईक्यू सीरीज के नए चैप्टर में आपका स्वागत है बच्चों, जिसमें हम बात करेंगे एसएचएम के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये एनटीए के लिए काफी फेवरेबल टॉपिक रहा है, जहां पर न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर रोटेशनल मोशन में हमने देखा था लास्ट कि न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, वहां अगर हमारे पास रेशियो देखा जाए तो न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस का रेशियो ज्यादा था एज कंपेयर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसे यहां पर भी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर वन कहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम इज ई, इफ द मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल पी इज डबल्ड, देन द न्यू एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम है, हमको पता है एनर्जी कितना होता है, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ के स्क्वायर। कहता है नया एनर्जी बता दो, सेम हमने क्या कर दिया है, मास को डबल कर दिया है, उस पर जो मास अटैच है उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के रहेगा, एम्पलीट्यूड सेम रखना है, हाफ के स्क्वायर, तो ई डैश किसके बराबर, ई के बराबर, दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एनटीए के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर जो है काफी फेवरेबल रहा है न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स के लिए। आइए क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर, एट द मीन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, हमको स्पीड का फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है बच्चों। एक काम करेंगे, a को बाहर निकालूंगा तो a बन जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, पुट ऑल द वैल्यूज, v का वैल्यू दिया हुआ है 5, ओमेगा a का वैल्यू 10, 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय 4, ये बन जाएगा 3 बाय 4, taking under root both the sides we got x by 4 is equals to root 3 by 2, ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, x is equals to 2 root 3, x is equals to 2 root 3, सारा का सारा फैक्टर, क्योंकि root under alpha के बराबर है, इसको अंदर लेकर के जाऊंगा तो क्या बनेगा, 4 3 is 12 is equals to root alpha, so alpha comes out to be 12, alpha का वैल्यू कितना है हमारे पास, 12। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इज x बाय 8, द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी इज x बाय 8, वेयर x इज, चलिए काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है किसके साथ, टोटल एनर्जी के, टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना, हाफ के ए स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी मतलब ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रखते हैं जरा, एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, के के बराबर, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, इफ अ पार्टिकल इज हैविंग एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए x का वैल्यू उसने दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या दिया हुआ उसने, 1/3, ठीक है, 1/3 किससे, एम्पलीट्यूड से, तो ए स्क्वायर माइनस 1/9, ए स्क्वायर बाय 9 ये कितना बनेगा, हाफ के ए स्क्वायर, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 9, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 9, सॉल्व करने पर बन जाएगा 8 ए स्क्वायर बाय 9, तो 9 ऊपर चला गया, 8 नीचे रह गया, हाफ के ए स्क्वायर ऑलरेडी था, नीचे भी क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ के स्क्वायर से हाफ के स्क्वायर कैंसिल आउट, तो टोटल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो आता है वो किसके बराबर, 9 बाय 8 के बराबर, हमको बोला था ये x बाय 8 है, तो x का वैल्यू कितना, 9, वेयर x इज 9, क्लियर, इजी वन। नेक्स्ट देखिए जेई मेंस 2023, क्योंकि जेई मेंस 2025 आपके पास आने वाला है, जैसा कि हमने देखा जेई मेंस 2023 के पैटर्न के क्वेश्चंस जेई मेंस 2024 में भी आए हैं, हमने स्लाइड्स में ये भी देखा, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ये भी देखा है कि जेई मेंस 2024 में सेम शिफ्ट के क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं, ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि आप जेई की
2020-25 की आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि 2024 के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। इसके लिए करियर पॉइंट आपके लिए लेकर के आए बच्चों इस तरीके का एक बुकलेट जिसमें आपको 2024 के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं। अलग अलग बुक्स हैं आपके पास, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, मैथमेटिक्स का अलग है। अगर आप किसी भी चैप्टर में आपको लगता है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, और मेरे हिसाब से तो आपको सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगर आप कोई परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक दिया हुआ बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड 6 पाई सेकंड्स, ठीक है। Assuming the oscillation starts from its mean position, the time period required to travel from x equals to a to x is equals to root 3 a by 2 will be pi by 6 x seconds, where x is. चलिए देखो, अगर मैं आपसे कहूं पार्टिकल x is equals to a से x is equals to root 3 a by 2 आता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, थीटा, थीटा, yes. थीटा हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री, पाई बाय सिक्स, ठीक है जी। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी लगा दो यार, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, पाई बाय सिक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी, तो टी मेरे पास कितना आ जाएगा? कैपिटल टी बाय 12, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड दिया हुआ कितना? 6 पाई, सो टाइम पीरियड कितना लगेगा? 6 पाई बाय 12, ये आता है हमारे पास कितना? पाई बाय 2, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 2, x comes out to be 2. Your answer is 2. चलिए next question की तरफ चलूंगा। Next question number 5 क्या कहता है? Question number 5 कहता है कि simple pendulum is placed at a place where its distance from the earth surface is equals to the radius of the earth. If the length of the string is 4 meter, ठीक है, then the time period of the small oscillations will be. देखो, acceleration due to gravity. G का वैल्यू क्या होता है? Gm by capital Gm by R square के बराबर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर height जो है, कितनी height पर रखा हुआ है? Surface of Earth पर तो रखा नहीं है, कितने height पर रखा है? H height पर रखा है, और H height कितना दूर है? Radius of Earth के बराबर, तो basically 2R square हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G dash is equals to Gm upon 4R square, ठीक है। That is equals to G by 4, that is equals to G by 4. Time period का formula 2 pi root under L by G, 2 pi root under L by G dash, 2 pi root under L, length हमारे पास कितना है? 4 meters, G का value कितना? G by 4, ठीक है। G हमको बोला है कितना use करना है? Pi use करना है, तो time period कितना हो जाएगा? 2 pi root under 4 into 4 upon pi square, solve करने पर ये आता है 2 pi into 4 upon pi, pi से pi cancel out, time period आ गया हमारे पास 8 seconds, so your answer is 8 seconds. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए, इट्स स्पीड इंक्रीज टू 3 टाइम्स एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2a बाय 3, द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज n a बाय 3, द वैल्यू ऑफ n इज, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड कितना हो गया? स्पीड इंक्रीज टू 3 टाइम्स ऑफ एन इंस्टेंट, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या बोलता है वो कहता है कि स्पीड 3 गुना हो गया, यानी कि 3 ओमेगा रूट अंडर, कब? ये तब हुआ जब हमारा x का वैल्यू कितना था? 2a बाय 3 था, तो a स्क्वायर माइनस 2a बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, नया वाला एम्पलीट्यूड क्या होगा? अगर स्पीड t वही रखा जाता तो नया एम्पलीट्यूड क्या होगा? v ओमेगा रूट अंडर a डैश, हमने माना नया एम्पलीट्यूड a डैश हो गया, माइनस पोजीशन कितना है उसका? 2a बाय 3 उसका स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स 9 a स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर बाय 9 a डैश स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर बाय 9, सॉल्व करना है इसको। जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है? ये बन जाएगा आपके पास 5 a स्क्वायर बाय 9, दैट मींस 5 a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर बाय 9, एलसीएम लोगे 5 a स्क्वायर बाय 9 आता है, 9 9 कैंसिल आउट, सो a डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 a स्क्वायर बाय 9, प्लस हो जाएगा इधर आकर के,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ए डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 9 ए स्क्वायर. ठीक है, टेकिंग अंडर रूट बोथ द साइड्स, ए डैश कम्स आउट टू बी हाउ मच? 7 बाय 3 ए. तो हमारा ये वैल्यू कितना हो गया? ये है एन ए बाय 3 के बराबर. दैट मीन्स एन इज इक्वल्स टू हाउ मच? 7. एन इज इक्वल्स टू 7. सो योर करेक्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ एन इज 7. चलिए जी, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मास एम इज गिवन बाय द पाई रूट अंडर अल्फा एम अपॉन 5 के, वेयर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज. आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे पास पैरेलल में, इक्विवेलेंट कितना हो गया 2k. इसका इसके साथ इक्विवेलेंट निकालोगे कितना आ जाएगा? 2k बाय 3. ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बनेगा? इन दोनों का ये बन जाएगा 2k बाय 3. अब जो हमारे पास फिगर बनेगा इसके बाद, फाइनल फिगर जो बनता है, उसमें दो स्प्रिंग रह जाएंगी इस तरीके से. मास हमारे पास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k बाय 3. दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देंगे. k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2k प्लस 2k बाय 3 प्लस k. k इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 2k बाय 3 प्लस k, दैट इज 5k बाय 3. दिस इज k इक्विवेलेंट. और टाइम पीरियड क्या होता है? t बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाय k. m बाय k, पुट द वैल्यूज, k इक्विवेलेंट, k की जगह k इक्विवेलेंट, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर, मास हमारे पास m ही है, k इक्विवेलेंट का वैल्यू 5k बाय 3, 5k बाय 3. इसको इक्वेट करोगे, 2 अंदर लेकर के जाना. ठीक है, 2 अंदर लेकर के जाएंगे तो पाई रूट अंडर 12m अपॉन 5k. ठीक है, जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आता है? 12. अल्फा कम्स आउट टू बी 12. चलिए, अगेन एन इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास. The system oscillates with a frequency of f1. The frequency of the oscillation of mass 9m is suspended from the same spring is f2. The value of f1 upon f2. ठीक है. Frequency की बात करूंगा तो frequency क्या हो जाएगा मेरे पास? 1/t. 1/t मतलब 1/2π root under k/m. ठीक है. तो f1 upon f2. Same spring की बात कर रहे हैं. बस mass change करता है. Mass m पहले m था, तब frequency f1. Frequency of oscillation if mass is 9m, that means frequency is inversely proportional to 1 by root under mass. तो f1 upon f2 क्या बनेगा? f1 upon f2 बनेगा root under m2 upon m1. रख दीजिए values. f1 upon f2 is equals to root under second वाला mass कितना? 9m, 9m. Initial पहले वाला mass कितना? m, m से m cancel out, root under 9, so f1 upon f2 comes out to be how much? 3. So your answer is 3. The value of f1 upon f2 is 3. Clear? Easy one. Next, the displacement of the particle executing simple harmonic motion is given by this equation. The time period of the motion is 3.14 seconds. The velocity of the particle at t बराबर 0. आइए, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं. v इज इक्वल्स टू dx बाय dt. जरा डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को. जैसे ही डिफरेंशिएट किया, क्या आता है मेरे पास? 10 ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया ओमेगा t प्लस पाई बाय 3. दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी. नाउ एट t इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी विल बिकम्स, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 विल बिकम्स 10 * ओमेगा cos पाई बाय 3. 10 * ओमेगा cos pi by 3. अच्छा, ओमेगा निकाल सकता हूं मैं यहां से. ओमेगा इज व्हाट? 2 pi by capital T. ओमेगा इज 2 pi by capital T. 2 pi divided by capital T. Capital T is 3.14. 3.14 is nothing but pi. ठीक है. और cos pi by 3. cos pi by 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2. 1/2. ठीक है. ये इससे कैंसिल आउट. pi से pi कैंसिल आउट. सो ओमेगा, सॉरी, स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 0 कम्स आउट टू बी, speed at t equals to 0 comes out to be 10 meter per second. Correct answer is 10. इस question का answer होगा हमारा 10. Easy one. Again एक easy सा सवाल. Next question की तरफ चलूंगा. Question number 10th बोलता है, particle is doing simple harmonic motion of amplitude 0.06 meter. ठीक है.
time period is 3.14 seconds. The maximum velocity v is equals to a omega. V maximum kitna a omega ke barabar? A omega. Dekho kitna easy sa question hai. Amplitude diya hai 0.06. Omega kya hota hai? 2 pi by capital T. 2 pi by capital T. Kamal ki baat hai 0.06 into pi ka value 3.14 rakhenge. Time period 3.14 diya hai. Cancel out. Kitna ho gaya? 0.12. 0.12 meter per second, centimeter per second में निकालने को बोला है, 12 centimeter per second, यहां गड़बड़ होती है। आपने आंसर सही निकाला, 0.12 मार्क करके आए, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज हमको सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा है, मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा है। रिमेंबर दिस थिंग, यहां गलती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रैंकर्स पैकेज के बारे में। बच्चों, रैंकर्स पैकेज में स्पेशली डिजाइन मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा। इस स्पेशली डिजाइन मटेरियल की खास बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, जो आपकी रैंक को इंप्रूव करेगा। अगर आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर चुके हैं, आपको लगता है आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, या अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन तो आप करवा लेंगे जैसे तैसे, बट आपको रैंक इंप्रूव करना है, तो आपको ये बुक्स परचेस करनी चाहिए। रैंकर्स पैकेज में स्पेशली डिजाइन क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, आपको परचेस करना चाहिए। परचेस करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए जी, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? An object of mass 0.2 kg executes simple harmonic motion along x-axis with a frequency of 25 upon pi hertz. At the position x is equals to 0.04 meter, the object has the kinetic energy of 0.5 joule and potential energy of 0.4 joule. Total energy निकल सकता हूँ मैं इसे। मैं लिख सकता हूँ total energy क्या होगा? Summation of total energy, summation of kinetic energy and summation of potential energy at a particular point. किसी भी particular point पर kinetic energy plus potential energy के summation को बोलते हैं total energy, वो आता है 0.9 joules. ठीक है जी, 0.9 जूल्स आ गया। अब मुझे पता है ये क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.9, के को मैं लिख सकता हूं एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.9। देखो क्या क्या गिवन है, क्या मास गिवन है, यस 0.2, क्या ओमेगा गिवन है, क्या ओमेगा हमको गिवन है, यस ओमेगा इज 2πf, omega is 2 pi f, that means 2 into pi into 25 upon pi, this is omega, into a square into is equals to 0.9, point point cancel out ho jayega, 2 se 2 cancel out ho jayega, pi se pi cancel out ho jayega, 50 square, so a square is how much, 9 upon 50 square, solve karenge isko yahan se, to amplitude kitna aata hai bachcho, amplitude is 9 by 50, amplitude is 9 by 50 meters, centimeter में convert कर दो इसको, क्योंकि centimeter में पूछा है, a is equals to 9 by 50 into 100, solve करना 2 times, sorry, calculation mistake, I did a calculation mistake, 3 by 50, so that comes out to be 6 centimeter, ठीक है, that comes out to be 6 centimeter. Correct answer is amplitude of oscillation is 6 centimeter. आइए next question number 12 की तरफ चलेंगे. Question number 12 कहता है position, velocity and acceleration of the particle executing simple harmonic motions are found to be 4 meter, 2 meter per second, 16 meter per second square at a certain instant. The amplitude of the motion is root under x meter, where x is velocity, displacement और हमको दिया हुआ है एक्सेलरेशन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। अगर मैं यहां से a is मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर x होता है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड दिया है कितना 16, ओमेगा स्क्वायर उस पोजीशन पर, कितने पोजीशन पर, 4 मीटर के पोजीशन पर दिया हुआ है हमको, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4, ओमेगा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 रेडियन पर सेकंड, 2 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, दिस इज ओमेगा, v is equals to what, omega root under a square minus x square, क्या चाहिए, amplitude ही तो चाहिए, बाकी सब तो given है, velocity कितना 2, omega कितना 2, amplitude कितना दिया हुआ है, वही निकालना है, amplitude निकालना है a square,
माइनस, पोजीशन दिया हुआ हमको 4 मीटर स्क्वायर, पोजीशन दिया हुआ हमको 4 मीटर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये कैंसिल आउट हो रहा है. सो 1 इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 16. सॉल्व करना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ए स्क्वायर माइनस 16, ए स्क्वायर इज 17, a is equals to root under 17, that is equals to root under x, x का वैल्यू कितना आता है 17, एम्पलीट्यूड root under 17, हमसे x का वैल्यू पूछा था, x is 17, क्वेश्चन में 12 का आंसर आता है 17. चलिए नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg execute सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द फोर्स माइनस 15 न्यूटन पर मीटर इनटू x. Minus 50x. The time period of the oscillation is x by 35. ठीक है. The value of x is. ठीक है जी. आइए. क्योंकि मेरे पास force दिया है. That is f is what? Minus 50x. ठीक है. Minus 50x. क्या force mass into acceleration होगा? बिल्कुल होगा minus 50x. ठीक है. Mass दिया है तो acceleration कितना हो जाएगा? Minus 50 into x upon mass is how much? 0.5. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आता है माइनस 100x. ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट मींस ओमेगा इज हाउ मच, ओमेगा कम्स आउट टू बी 10 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज ओमेगा, ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड कितना, टी इज इक्वल्स टू 2π बाय ओमेगा, that comes out to be how much, pi by 5, time period is pi by 5, clear hai, time period hamare paas kitna hai, pi by 5, pi ka value rakh do zara, 22 divided by 5 into 7, 22 divided by 35, 22 divided by 35, theek hai, humse x ka value pucha tha bachcho, x ka value humse pucha hai, to 22 divided by 35, x by 35, x by 35, is equals to 22 divided by 35, x comes out to be how much, 22, हमारा आंसर है, the value of x is 25, ठीक है, the value of x is 25, oh sorry, 22, not 25, 22, 22, my mistake, 22, clear है, चलिए. So yes, thank you so much guys. I hope you enjoyed the session. We'll meet you in next class guys. Bye bye. Take care. Have fun and enjoy your day.